उज्जैन में नाराज वकीलों ने एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। वकील अपने साथी पर दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। शहर के अभिभाषक पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से चर्चा की। उन्होंने अपनी परेशानी अपनी समस्या से अवगत कराया। एसपी से वकीलों ने कहा कि कुछ दिन पूर्व हमारे साथी पर पुलिस ने गलत कार्रवाई की है, बगैर जांच किए और सत्यता जाने बगैर मामला दर्ज कर लिया। इससे वकीलों में आक्रोश है। पहले पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच करना चाहिए थी, फिर कुछ निर्णय लेना था। एसपी सत्येंद्र कुमार को दिए ज्ञापन में वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमारे एक अभिभाषक है मित्र आयुष शर्मा जी, उनके विरुद्ध पुलिस देवास गेट में घूसी कायमी हुई और उनकी रिपोर्ट पर से पहले अपराध पंजीबद्ध हो चुका था। केवल दुर्भावनापूर्वक पुलिस ने कार्रवाई करके और उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने अभी एक ज्ञापन के माध्यम से चर्चा की है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने एडिशनल एसपी साहब अमरेंद्र सिंह साहब को जांच के लिए आदेश दिए हैं और तब तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करें ऐसे मौखिक आदेश भी हमने प्रदान किए। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सक्रिय पदाधिकारी आयुष आचार्य, जो कि पेशे से अधिवक्ता भी हैं, उनके विवाद की जो वो रिपोर्ट करने देवास गेट थाने में गए तो उनकी रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन उनके पीछे जाते ही दबाव में आके पुलिस ने उनके खिलाफ क्रास केस में रिपोर्ट दर्ज कर दी, जबकि न तो वो मौके पे थे न उन्होंने कोई वारदात की। वो एक सभ्य परिवार के सुशिक्षित व्यक्ति हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, वो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन झूठा प्रकरण बनाया तो हमने ब्राह्मण समाज की तरफ से एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि इसकी कार्रवाई को शीघ्र निरस्त करें। तो वो एक अधिवक्ता भी हमारे, तो अधिवक्ता साथ ही तो कानून की रक्षा करते हैं, वो कभी भी विधि विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं, इसलिए हमने ज्ञापन देकर उनसे मांग करी कि इसको इस कार्रवाई को रोका जाए। तो एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसको जाँच करके वो शीघ्र अभी कोई कार्रवाई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।